तुसी पार्टी तौर पर जो केस दर्ज करवाया जा फिर किसान बन गए? पार्टी नालों पहला असी किसान है क्योंकि जिहड़ी पंजाब की आर्थिकता खास करके जिहड़ी खेती ते निर्भर असी सारे किसान है। लगातार पिछले 100 दिन तो दिल्ली दियां जिहड़ी साडी राजधानी दे ब्रूहां ते किसान बैठे ने ते उत्थे उन्हां नूं जलील करिया जा रहा, कदे बिजली कट्टी जा रही, कदे पानी कट्टी जा रहा, वख-वख तरहां दी टिप्पणियां करके जिम्मेवार व्यक्तियों वल्लों जो कि मैंबर पार्लीमेंट ने जां सैलीब्रिटी आ जो जिन्हां तों लोकां ने कुछ सीखणा हुंदा, जो जिन्हां दे समाज नूं कुछ सेध देणी हुंदी आ, उहदी शब्दावली बुलाई जा रही आ। ते जिहड़ी कंगना रावत ने बोली सी गल, उहदे खिलाफ वी तुसीं किसम दा कीती जां कल्ले उसी मंत्री दे खिलाफ? 100 रुपए के बिकने वाले लोग हैं वो तहत वनू असी कोर्ट च घड़ीसांगे तो वह दसांगे भी पहला तो छुट जाती होगी, माफ़ी देने योगी गल नहीं। जब तक जनतक तौर पर माफ़ी नहीं मंगती, नहीं तो वह खरड़ कचहरी रोपड़ मरिंडा हर जगह हर कर कचहरी असी पंजाब वख-वख थावां ते उहदा जीवना हराम कर दूंगे। असीं तां सिर्फ अपने एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे साडियां मामां ने, चाहे साडियां भैणां ने, चाहे साडे किसान वीर ने, जिन्हां दे लई जिहड़े अन्नदाता 24 घंटे सप्पां दीआं सरियां मिध के साडे लई अनाज पैदा करदे ने खेतां दे विच, तुसीं उन्हां नूं भाड़े दे टट्टू किराए दे 100-100 रुपए ते लै के उन्हां नूं दस्सदे हो ते असीं मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। HN1 न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। किसानी संघर्ष के भी जिन्हें सैलीब्रिटी चा BJP के मंत्रियों ने किसानों वास्ते मंदी शब्दावली बोली है तो उन्होंने खिलाफ़ हूँ मोहाली के भी पटीशन दायर हो गई है। तो हूँ उन्हां सैलीब्रिटी के नाल ही मंत्रियों हूँ मोहाली कोर्ट के पेश होकर अपनी माफ़ीनामा जो उन्होंने केस दर्ज जो किया गया किसानों वालों तो नरेंद्र सिंह शेरगिल ने तुसी पार्टी तौर पर जो केस दर्ज करवाया जा फिर किसान बन के? देखो जी, असी समुची आम आदमी पार्टी की मोहाली जिले की इतने टीम खड़ी है तो पंजाब की साड़ी लीडरशिप भी साढ़े हाजिर है, पर असी पार्टी नालों पहला असी किसान है क्योंकि जी पंजाब की आर्थिकता खास करके जी खेती निर्भर असी सारे किसान है। तो किसानी अंदोलन जो पिछले 6 महीने तो लगातार चल रहा, काले कानूनों वापस कराने जो मोदी सरकार ने काले कानून बनाए थे, पिछले 6 महीनों तो किसान रेलों दी पटड़ियां ते सड़कां ते रुल रहे हैं। तो अज हुण लगातार पिछले 100 दिन तो दिल्ली दियां जी साड़ी राजधानी के ब्रूहां ते किसान बैठे ने तो उत्थे उन्होंने जलील कराया जा रहा, कदे बिजली कट्टी जा रही, कदे पानी कट्टिया जा रहा, कदे वख-वख तरहां दी टिप्पणियां करके जिम्मेवार व्यक्तियों वालों जो कि मैंबर पार्लीमेंट ने जां सैलीब्रिटी हैं जो जिन्हों तो लोगों ने कुछ सीखना हुंदा, जो जिन्हों ने समाज में कुछ सेध देनी हुंदी आ, उन्हां लोगों तो जो बेइज्जती कराई जा रही है, जो भद्दी शब्दावली बुलाई जा रही है, उहदे खिलाफ़ असी पूरे पंजाब दे विच किसान होण दे नाते क्योंकि किसान नूं अन्नदाता कहा गया, जे गुरुआं पीरां फकीरां पैगंबरां तो बाद जे असी कहीए तां जे किसी कोई पूजा जा सकता तो किसान ते जवान है जिन्हां दे सिर ते असी अज आज़ाद फिजा दे विच असी साह ले रहे हैं, उन्हां दी तुहीन असी किसी कीमत ते नहीं होण दोंगे, उन्हां दी आन शान दे खिलाफ़ असी कोई भी शब्द जो कोई वरतदा खिलाफ़ तुसीं जिहड़ी पटीशन दायर की है जां समन जारी किस किस नूं होणगे जिन्हां ने इहो जिही मंदी शब्दावली बोली? देखो, असी इन्हां सारे लोगों के खिलाफ़ जिन्हां ने समय समय से जो भद्दी शब्दावली वरती पूरे पंजाब दे विच साढ़े किसानों वालों उन्हां दे खिलाफ़ केस दायर किए गए हैं। अज उस लड़ी के तहत रमेश बदूरी जी जो मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट है साउथ दिल्ली तो उन्होंने किसानों के खिलाफ जो भद्दी शब्दावली वरती सी भी ये तो विलड़ लोग हैं, ये तो भुखे लोग हैं, इतने आके अमेरिका कनेडा इंग्लैंड तो इन्होंने 1 करोड़ रुपये आ रहा तो पैसा खा रहे हैं तो इन्हों कोई कम है नहीं, उदों भी लखा की तादाद में किसान बैठे थे, उसनों मिसाली सजावं दिवाउण लई जां जनतक तौर पर माफ़ी मंगे, नहीं तो इतने इस सड़क तो लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी कानून कार्रवाई खिलाफ़ सख्त तो सख्त हो सकेगी, असी एक मिनट भी पिछले नहीं हटा क्योंकि असी किसानी अंदोलन नाल खड़े हैं, सब तो पहला असी किसान हाँ, उस तो बाद साड़ी पार्टी। तो जी कंगना रावत ने बोली सी गल उहदे खिलाफ़ भी तुसीं पटीशन दायर की है जां कल्ले उसी मंत्री दे खिलाफ़? बिल्कुल जी, ओह की तो होर भी जो बहुत सारे लोग है जो माता महिंदर कौर जी जिवें साडे एडवोकेट साहब मित्तल जी ने पहले दस्सिया, साढ़े इको एक केजरीवाल साहब ने उस माता महिंदर कौर जी बुला के दिल्ली के जो उन्होंने माण सम्मान दिता क्योंकि उन्होंने मातावान के लिए उन्होंने अपशब्द वरत भी 100-100 रुपए जो बुढ़िया किराए पर करके लियाने असली किसान नहीं है, ये 100-100 रुपए के बिकने वाले लोग हैं, वो तहत उन्होंने असी कोर्ट च घड़ीसांगे तो उन्होंने दसांगे भी पहला तो छुट जाती होगी, माफ़ी देने योगी गल नहीं, जब तक जनतक तौर पर माफ़ी नहीं मंगती, नहीं तो उन्होंने खरड़ कचहरी रोपड़ मरिंडा हर जगह हर कर कचहरी असी पंजाब वख-वख थावां ते उहदा जीवना हराम कर दूंगे। अज जिहड़े ऑर्डर होए ने तुहानूं लगता कि कंगना रावत जां जिहड़े उह मंत्री नूं इत्थे बुलाया जाएगा उन्होंने समन भेज के? जिहड़ा बिल्कुल जी, अज साडी स्टेटमेंट हो चुकी है तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ असी सारे नाल लाए हैं तो उहदे तहत उन्होंने बनती सज़ा मिलनी ओ मिलनी है जो कानून के हिसाब नाल जी।
एडवोकेट साहब साढ़े नाल ने सर तुम अज नाल होकर जो पटीशन दायर करवाई है तो इस कि धारा के उन्होंने जी नामजद किया जाएगा इतने फिर इतने से डेफामेशन का केस पाया गया जी 499 IPC अंडर जिसे अंडर उन्होंने इतने पेश होकर आप केस अज आए पेगा नहीं तो उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किन्ने बंदे शामिल ने इस जे मंदी शब्दावली बोली जिन्होंने जोड़ा अज का केस जी ये सिर्फ रमेश बिदोई जी MP के खिलाफ पाया गया बाकी सारे जिन्होंने कंगना रनौत होकर मनोज तिवारी हो उन्होंने सारे असं नोटिस भेजे हुए हैं डिप्टी CM हो गए जी गुजरात वाले नितिन पटेल जी उन्होंने वालों हजे तक कोई जवाब नहीं आया तो अगर जो कार्रवाई बनेगी उन्होंने खिलाफ भी असं कानूनी कार्रवाई करा कदों तक इन्होंने समन जारी हो जाएंगे फिर इतने कोर्ट वालों समन आफ्टर लंच कोर्ट वालों ऑर्डर पता लगेगा जी हजे उन्होंने कोई ऑर्डर किया नहीं तो बहुत जल्दी छोटी डेट पर ही उन्होंने समन भेजे जाएंगे। जी तुम पटीशन दायर की इन्हों के खिलाफ कि सज़ा हो सकती है इन्होंने जोड़े मामलों के जिस तरीके इन्होंने मंदी शब्दावली किसानों वास्ते बोली है केस में उन्होंने 2 साल की सज़ा हो सकती है तो जुर्माना हो सकता तो उन्होंने मतलब किसानों ने जिमें मतभागी शब्दावली वरती है खिलाफ या तो माफ़ी मंगेंगे पब्लिक तौर पर नहीं तो उन्होंने 2 साल की सज़ा तो कोई जुर्माना पाया जा सकता। साहब जिस तरीके दिल्ली के मंत्री के नाल कंगना रनौत कई होर 70 बंदों के खिलाफ कह रहे हैं कि केस दर्ज करवाया इतने तो पंजाब के भी जो कोई BJP का ज कोई होर पार्टी का नुमाइंदा जो बोलता है किसानों के खिलाफ उन्होंने खिलाफ भी इस तरीके पटीशन पाई जाएगी फिर बिल्कुल पाई जाएगी जी। पंजाब दे विच फिलहाल ऐसा कोई मसला अज नहीं आया लेकिन जो ये कम होया इन्होंने पंजाबियों की बेइज्जती की है ये पंजाबियों के वकार की सवाल है तो असी बर्दाश्त नहीं करांगे तो जो भी होएगा अखीर तक इन्हों चाहांगे कि सज़ा दिलाइए माफ़ी तो चलो मंगनी बड़ी गल है मंगवा लेंगे असी पर लेकिन माफ़ी नहीं असी सैटिस्फाइड नहीं है असी चाहते कि इन्होंने सज़ा होवे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया एक पंजाबीयत नूं वगारिया है और साढ़े बजुर्गों की लेडीज़ की मातावां की बेइज्जती की है पंजाबीयत की बेइज्जती की है बहुत बड़ी थोड़े को आने तुम भी एक महिला हो तो कंगना रनौत भी जो लोग फिल्मों के सिक्ख्या लेनी से उल्ट किसानों जिस तरीके उन्होंने मह माता बोलिया कि 100 साल में आदि ने किमें देखते हो जी बिल्कुल जिन्होंने असी रोल मॉडल मानते हैं अपने जिन्हों वाल लोग देखते हैं कि ये किदा की शब्दावली यूज़ करते हैं खासकर इस किसानी अंदोलन जुड़े हुए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए है तो असी आम आदमी पार्टी के बशिंदे होने के नाते असी इन्हों की कड़ी निंदा करते हैं तो सारे पंजाब दे विच 70 तो उपर जिहड़े केस है इन लोगों के खिलाफ असी फाइल किए हैं पूरे पंजाब लैवल से साढ़े किसानों ने जिमें कि अज उस कड़ी के तहत नरेंद्र शेरगिल जी ने एक केस फाइल किया तो इस लड़ी के तहत असी अगे भी केस फाइल करांगे जदों तक कि ये माफ़ी नहीं मंगते उन्हों जनतक तौर पर ते उस तो बाद जे इन्होंने नहीं मंगी माफ़ी तो उस तो बाद असी इन्हों कोर्ट तक हर लैवल तक घड़ीसांगे। बिल्कुल तुसी देख सकते हो तो होर भी गल कर लैंदे आ सर हुण किवें लगता है कि हुण मित्तल साहब होर अगे की जिहड़े बंदे इस तरीके की भाषा बोलते हैं उन्होंने भी इस तरीके केस दर्ज कराओगे फिर नहीं बिल्कुल जिस तरीके मैडम परमजोत ने दस्या कि 70 से ज़्यादा असं केस कर रहे हैं तो साडा केस करन दा मकसद कोई यह नहीं है कि असं डराना किसी जिस तरीके पुछ रहे हो कि वो डर जाएंगे या नहीं करेंगे असं तो सिर्फ अपने एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं चाहे साडियां मामा ने चाहे साडियां भैणां ने चाहे साडे किसान वीर ने जिन्हां दे लई जिहड़े अन्नदाता 24 घंटे सप्पां दीआं सिरियां मिध के साडे लई अनाज पैदा करदे ने खेतां दे विच तुसीं उहनां नूं भाड़े दे टट्टू किराए ते 100-100 रुपए ते लैके उहनां नूं दस्सदे हो ते असीं मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं बाकी जो तक लीगल जिहड़ी तुसीं गल कीती आ मैं भी पिछे तों वकील हां ते जे जिस तरीके 2 साल की अगर सज़ा उन्होंने हो जाती है तो उन्हें तो चोण लड़न की भी रोक जी है लग जाएगी कानूनी तौर पर क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट का नवा जरा ऑर्डिनेंस आया सी नवा कानून के तहत अगर किसी भी अजिहे व्यक्ति को 2 साल की सज़ा हो जाती है ज 2 साल तो वध हो जाती है तो वो चोणों के भाग नहीं ले सकता तो अगर हुण उन्हां कोल इक्को हल रह जाएगा जिस तरीके इस तो बाद समनिंग होएगी तो जां तां वो आके माफ़ी मंगण शेरगिल साहब तो बाकी साडे किसान भरावां तो प्रैस कॉन्फ्रेंस के बैठ के प्रैस के जरिए पब्लिक तौर देते माफ़ी मंगण तो नहीं तो फिर वो जो है लीगल जो कॉन्सिक्वेंसिज ने उन्होंने फेस करने के लिए रेडी रहन क्योंकि रिसेंटली मैं अज ही पेपर के पढ़ रहा कंगना रनौत के उपर कोई होर एक डेफामेशन का मामला चल रहा वो महाराष्ट्र के अंदर तो वो अंदर अदालत ने उन्होंने के बेलेबल वरंट जो है जारी किए हैं वो बेलेबल वरंट जो जारी किए हैं तो उन्होंने स्टे कराने लिए हाईकोर्ट मूव किया उन्होंने तो इस तरीके देखो उन्होंने उपर मेंटल प्रैशर तो है ही है लीगल फाइट के तो पे ही हुए नेंगे आम आदमी पार्टी संसद तो लैके सड़क तक जी किसानों की लड़ाई लड़ रही है चाहे दिल्ली सरकार की मैं गल करा दिल्ली सरकार ने जिस तरीके उ टॉयलेट्स का प्रबंध किया पीने वाले पानी का प्रबंध किया वाईफाई का प्रबंध किया तो उत्थे किसानों लंगर लाए गए हैं सेवादार बन के साढ़े दिल्ली मुख्यमंत्री उत्ते काम कर रहे हैं उस लड़ाई में असं संसद तो लैके विधानसभा सड़क के जरिए अज्जी अदालत के अंदर भी लैके गए हैं चाहे सानू ट्रायल कोर्ट तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़नी पवे आम आदमी पार्टी एक अजिही पार्टी है जो किसानों के नाल खड़ी है बीबी मनिंदर कौर का सम्मान असी जो 8 मार्च वूमन डे के उपर दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने बुला के उत्थे किया पूरे हिंदुस्तान केंद्र के जी भाजपा किसान विरोधी सरकार बैठी है उन्होंने जोड़े फिल्मी सितारे किसान जो BJP के चमचे उन्होंने पूरा एक मैसेज दिता कि नहीं साडिया मामा भैणा साढ़े लिए जी बहुत बड़मुलियां ने असं उन्हों का सम्मान करते हैं वो 100-100 रुपए देने उन्होंने सम्मान सरकार भी
ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਐਚ ਐਨ 1 ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।